आज लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर प्रांगण में जो चूरू में रामगढ़ दरवाजा चोला कुएं के पास है, उसमें ब्राह्मण समाज की दो महान विभूति शीला दीक्षित जी और सुषमा जी स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि समाज की तरफ से दी गई और उनके अपने राजनीतिक जीवन में उत्कृष्ट कार्य और इतना आज के राजनीतिक माहौल में उन्होंने अपना एक स्वच्छ छवि के साथ और अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ, देशभक्ति के साथ, हर तरह से इतना गौरव, उनके गौरवमयी उनका जो जीवन था, उसके जीवन के समापन होने पर और जो हमारे समाज में जो क्षति हुई है, वो हमेशा हम इनको याद करते रहेंगे और आज भी पूरे समाज ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भगवान लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर में संपूर्ण ब्राह्मण समाज की तरफ से जो दो विभूतियाँ भारतवर्ष की जो आज हम सबके बीच में नहीं रहे, शीला दीक्षित जी और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दोनों विभूतियाँ अपने आप में राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज हम सब के बीच में नहीं रहने की वजह से समाज को बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। आज हम सबको छोड़कर ये भगवान के पास चले गए हैं तो आज इनको दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। लक्ष्मीनारायण जी मंदिर के प्रांगण में आज कौटिल्य मंच की ओर से जो गैर राजनीतिक संगठन है ब्राह्मण समाज का, उसकी ओर से ब्राह्मण समाज की दो महान विभूतियाँ जो भले ही अलग अलग दल में थी, लेकिन अपने दल में उनका वर्चस्व था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी है वो दोनों ही दलों में पूरी नहीं की जा सकती। उनका योगदान है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, वो बुलाया नहीं जा सकता। ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज है वो हमेशा से देश को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, एक नई दिशा प्रदान करता रहा है। उसी क्रम में इन दोनों महान विभूतियों का आज श्रद्धा सुमन ब्राह्मण समाज अर्पित करते हुए गौरव के साथ आज उनको याद कर रहा है। पैराडाइज़ दादू भवन है, सच है। और पैराडाइज़ इधर अगर ऐसे तो ग्लास तो है, पैराडाइज़ को हिसाब नहीं, पैराडाइज़